आइए पिया जी, आपके महलों में आपका स्वागत है, सम्मान है। लेकिन सबसे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने प्यार से मैंने आपके लिए ये आरता का थाल सजाया था, पर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आपने मेरा ये आरता का थाल ठुकरा दिया। आरती के थाल को ठोकर मारी है, मैं तुझे भी ठोकर मारता हूँ। लानत है तेरी जैसी औरत पर, और लानत तो मैं अपने आपे पर भी मानता हूँ। हे विधाता, ऐसी दुश्मनी का मेरा साथ करवाया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने भरे दरबारों मेरी बेइज्जती करवाई हो, आज वो आरता करे, आपको आरता अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। ऐसा मैंने क्या कर दिया पिया जी, जो आज आपको मेरा आरता भी करना अच्छा नहीं लगता? ये जितने भी यहाँ मार बांट के लोग बैठे हैं, क्या सबके सामने बताऊं कि तूने क्या कर दिया? अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो सबके सामने बताइए, आखिर मुझे भी तो पता चले। गलत काम को तो एक में माफ भी कर दिया जाता है, तूने तो काम इतना गहराई का कर दिया कि वो माफ करने के योग्य नहीं है। पापन डायन, धर्मराज के सजा मिलेगी खोटी कार की, धर्मराज के सजा मिलेगी खोटी कार की, और खुद गर्जी में जान खिपा दी खुद भरदार की। तुझे लज्जा और शर्म नहीं आई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पिया जी। तो इन सब लोगों के सामने बता के जाऊंगा कि इससे गिरी हुई लुगाई कोई दूसरी दुनिया में नहीं हो सकती। मैं पूछना भी चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। ठुकराया थाल पिया, तेरी रोवे प्राणों प्यारी। गप्पू सरपंच साहब, प्राणों प्यारी कह रही है, तू प्राणों की प्यारी नहीं है, प्राणों की तो हत्यारी है। अब तक तो मैं प्राणों की प्यारी थी पिया जी, लेकिन आज मुझे ये नहीं पता था तू एक नागन है, मुझे ही डसेगी। अगर ये खबर होता तो मैं तेरे साथ शादी नहीं करता। आगे की लाइन अच्छी लगे दोस्तों, जवाब अच्छा लगे तो आपकी ताली मिले। अब के कहियो क्या कहा था? हे रे क्यों ठुकराया थाल पिया, तेरी रोवे प्राणों प्यारी। Yeah।
आज से चंद रोज बाद जब ये बहादुर वीर ये मारवाड़ किसान फांसी पर लटक जाएगा तो तुझे सब पता चल जाएगा, तुझे नहीं सारे देश को पता चल जाएगा फांसी पे। हाँ फांसी पे, और तेरी काली करतूत के कारण। ऐसी मैंने कोई काली करतूत नहीं की जिसके कारण मेरे पति को फांसी। मैं सबके बता के जाऊंगा, करे लोगों ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है, ढकले तो सारे कुल ने ढकले वरना नंगी की नंगी है। नहीं आप ये क्या कह रहे हो पियाजी, पहले भी कई हजार रुपए दिए हैं और 5100 रुपए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए हमारे बाबूजी सुंदरलाल जी, हमारे सरपंच साहब के छोटे भाई जिन्होंने इस रागिनी की डिमांड रखी, दोनों कलाकारों को 5100 रुपए से सम्मानित किया, बार बार धन्यवाद। मैं भैया अनिल, हमारे अजीज लाडले बड़े भाई अनिल जी, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार अनिल भाई का भी तालियों से स्वागत, 5100 रुपए से मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए मेरी बात, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ पिया जी। शेर खान ने पूछ लिए तू इब छतरानी को क्या, शेर खान ने पूछ लिए तू इब छतरानी को क्या, कौन शेर खा कड़े रहे मने बात पिछानी को क्या, अरे फांसी खा के मर जाती तन पाया पानी को क्या, कसम उठारी। कितनी कसम उठावे, लाखों कसम उठा सकती हूँ। सुनो रे नौजवानों सुनो, ये औरत की सबसे बड़ी पहचान है कि अगर एक कसम उठाने से अगर आगे बढ़ जाए ना, बहन जी बुरा मत मानना, अगर औरत एक कसम उठाने से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो फिर पक्का समझ लो कसम बदलेगी और माने नहीं किसी की। आदरणीय गब्बू सरपंच साहब अलियर, कई हजार रुपए पहले और 2000 रुपए हम दोनों कलाकारों को फिर दिए, कई हजारों बार कसम उठावे, कई कई बार कसम उठा सकती हूँ कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। जवाब दूंगा इस बात का, बात अच्छी लगे तो ताली देना। अब के कहियो क्या कहा था तने, हेरे धर्म डिगानी नारी कोन्या लाखों कसम उठारी, भाई लाखों कसम उठा सकती है एक वैश्या करके जारी। मुझे एक वैश्या का दर्जा दे दिया, नहीं पिया जी। किरण मई, मैंने तो कहीं अगर भगवान से भी ऊपर तुझे माना था, लेकिन तूने क्यों, कहते हैं ना साथियों, त्रिया के चरित्र का, पुरुष के भाग्य का पता नहीं कब क्या हो जाए, वही हालात बना दिए मेरे। मेरा चरित्र बिल्कुल पवित्र है और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री के मैंने सारे नियम कानून कायदे अच्छे से निभाए हैं पिया जी। दुनिया में चरित्र की पूजा हुआ करती है,
अगर चरित्र पवित्र होता तो आज वो शेर का फांसी पे चढ़ा हुआ होता। मैं नहीं जानती कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। वाह, मैंने कोई भी नियम नहीं छोड़ा पिया जी। कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो, पति ही पूजा पति ही ईश्वर नहीं पति ते न्यारी हो। मैं उस पतिव्रता की बात कर रही हूँ और वो मैं हूँ पिया जी। एक वैश्या से भी कहीं गिरा हुआ कोई दर्जा होता हो, मैं नहीं मानती इस बात को। सिर्फ मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मेरा दिल जानता है और मेरा भगवान मेरा परमेश्वर जानता है। कह दे मैं तो सुनिए मेरी बात के जाऊंगा। ₹500 का इनाम इस रागनी पे दिया। एक तालियां बजा दीजिए जोरदार। और याद रखना, मोर हरियाणवी, मोर म्यूजिक और मोर भजन भक्ति ये चैनल है, आप इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें और मनपसंद गीत सुने। अगर तू पतिव्रता है और अगर तूने कोई गलत कार्य नहीं किया तो क्या मेरे फेंटा और कटारी मुझे मिल सकते हैं इसी वक्त? अभी क्या फेंटा और कटारी से मैं पतिव्रता साबित हो जाऊंगी? हाँ, तो फेटा और कटार मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे महलों में एक औरत आई थी और उस औरत ने अपने आप को आपकी बुआ बताया था, वही मुझसे आपकी फेटा और कटार लेकर गई है। देखो रे, देखो सुनो भाई, जिस शेर खान की डेढ़ हाथ लंबी दाढ़ी हो, वो डेढ़ हाथ लंबी वाला दाढ़ी वाला इंसान इसे बुआ दिखाई दे रहा था। मेरी नजर अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि मैं एक औरत और पुरुष में फर्क ना समझ सकूं। वो एक औरत थी। सबके सामने कह दे, 15 दिन तेरे महल में शेर खान रहा है, मखमली गद्दों पर उछल कर रहा होगा, बड़ी खुशी के साथ तूने रातें बिताई हैं। अरे मेरे महलों में जब एक चिड़िया तक पर नहीं मार सकती तो फिर एक मर्द कहां से आ सकता है पिया जी? इसका भी भेद खोल दूंगा। हाँ जी महाराज जी, ठीक है। नैनू नैनू भाई 100 रुपए दे रहे हैं और हल्की सी ले भी रखी है, धन्यवाद नैनू भाई। जैसे धूल उड़ाने से उस सूरज का तप कम नहीं होता, ऐसे ही गंदे इल्जाम लगाने से पतिव्रता स्त्री का ऐसा नहीं है।
औरत घर की इज्जत होती है इसे लक्ष्मी कहा करते हैं, लेकिन अगर पतिव्रत धर्म से गिर जाए तो यही कुलक्ष्मी बन जाती है। तू आज औरत नहीं, मेरे लिए एक डायन, डंकनी, भूतनी, पिशाचनी, कुलघातनी से कम नहीं है। अब तो मैं कभी वो समय था कि प्राणों की प्यारी थी, विश्व सुंदरी थी, कभी गलती से कर गया ये काम, और आज मैं आपको भूतनी पिचासनी नजर आ रही हूँ, डायन डंकनी हजारों, इससे भी कहीं बढ़ के शब्द मेरी डिक्शनरी, ये बहम भी मैं आपका दूर करूंगी। कर दे, कैसे करेगी मेरी बात, कैसे किसी भी तरह से मर्द काबू में नहीं आता ना किसी तरह से, तो यूं करेंगी, यूं कर, वो इतने में ही पिघल जाए उसका दिल, यूं का भाई बहुत परेशान है, और पिघल जाए फिर यूं का रोवे मत, जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा। इन थूक के आंसुओं से मत डरावे मुझे, असली आंसू है महाराज, एक भी नहीं निकले असली, तो भीतर से देखो ना, अंदर जा रहे हैं, हाँ अंदर वाले आंसू अलग प्रकार के हो, अंदर ही है वो पानी कमी पड़ी, अंदर के आंसू किसी और के लिए बहाए जाते हैं, बाहर के आंसू अपनों को दिख जाते हैं, शरीर में पानी ज्यादा हो तो बाहर आ जाते हैं महाराज, यहाँ तो सूख रहे आंसू, सूख रहे आंसू, छोड़ रो बंदी चाल पड़े मेरा हृदय। साथ में जी।